कोहिनूर जो मुंब्रा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है। लाया है मुंब्रा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा। स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुंब्रा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा में कल रात के समय एक खूनी वारदात की घटना सामने आई है, जहां चाकू से एक युवक ने दूसरे युवक पर वार कर दिया है। गंभीर घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार जो घायल है युवक, उसका नाम सलीम सिद्दीकी बताया जा रहा है, और जिसने चाकू से वार किया है उसका नाम अरबाज शेख बताया जा रहा है। ये पूरी घटना मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा मेन रोड पर हुई है। इस घटना की जो वीडियो सामने आई है उसमें सफ़ेद कपड़े में सलीम है, जिसका पैसा गायब हो गया है, और वो अरबाज से पैसों के लिए उलझ रहा है। अरबाज भी कह रहा है कि मुझे क्यों बोल रहा है, कौन लिया है तेरा पैसा। तभी सलीम 2 से 3 लाफा अरबाज को मारता है, और अरबाज भी गुस्से में आकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिसमें पीठ और हाथ में वार हुआ है। किसी तरह से वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और सलीम को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं कराई गई है, इसकी अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है।